हेलो स्टूडेंट्स, जो अपना लास्ट लेक्चर था वहाँ हमने डिस्कस किया था कुछ न्यूमेरिकल रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में। वैसे अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हमने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, उसके बाद हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस किए, और हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए। और जो आज का अपना लेक्चर है वो किस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करना है। कुछ अप्लीकेशंस भी आएंगी, कुछ जैसे इक्वेटोरियल लाइन आएगा, एक्सियल लाइन आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम देखते हैं सोर्स चार्ज क्या होता है। अपने पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक तो अपना होता है सोर्स चार्ज और एक अपना होता है टेस्ट चार्ज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो अपना सोर्स चार्ज होता है वो क्या करता है, वो अपने सराउंडिंग में एक फोर्स क्या करता है, जनरेट करता है। जितना अपने आसपास वो एक फोर्स जनरेट करेगा, जितने सराउंडिंग में जितनी फोर्स जनरेट करेगा, मींस वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो हमेशा जो अपना सोर्स चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करेगा, और जो टेस्ट चार्ज होता है वो एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है जो टेंस को करता है किसको, जीरो को। ये जीरो होता नहीं है बट ये नियर अबाउट होता है जीरो के, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। ये क्या काम करता है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने का काम करता है कि यहाँ पे जो एक फोर्स जनरेट हुई है, इसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट हुई है, ये उसको क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बिल्कुल अपने पास एक सोर्स चार्ज है, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या करेगा, यहाँ पे जनरेट करेगा अदर चार्जेस के लिए, दूसरे स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा अपने सराउंडिंग में। जहां तक वो फोर्स को जनरेट करेगा, जितने एरिया में अपने सराउंडिंग में, उस एरिया या उस सराउंडिंग के भाग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज फेल्ट बाय सम अदर चार्ज इज कॉल्ड, वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पे होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा सोर्स चार्ज के बारे में। भाई अपने पास एक सोर्स चार्ज है, ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, फोर्स जनरेट करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर रखते हैं, एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे हम रखेंगे। तो जब टेस्ट चार्ज को हम रखेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्या करेगा, भाई कोई पॉजिटिव चार्ज है, अपने पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले रखा है और यहाँ पे अपने पास कोई टेस्ट चार्ज है। तो हमेशा याद रखना कि भाई जब हमारे पास कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे वो रेडियली आउटवर्ड होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे जब हम कोई टेस्ट चार्ज को रखेंगे, यहाँ पे हमने किसी टेस्ट चार्ज को रखा है, अपना स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पे एक फोर्स करेगा एक्सपीरियंस रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ इस पे एक फोर्स लगेगी रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे रखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आउटवर्ड जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यहाँ पे रखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। जितनी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा आपका ई फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो आपका टेस्ट चार्ज होगा
वो किसको ट्रांस करेगा, जीरो को, बहुत ही स्मॉल होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये तो था अपना जब हम पॉजिटिव सोर्स चार्ज लेके चलते हैं तो जो फोर्स होता है वो क्या लगता है अपना रेडियली आउटवर्ड। अगर हम यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज ले लें तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम कोई नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो रेडियली इनवर्ट करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो क्या होगी, रेडियली इनवर्ट। अब ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ट होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव के केस में रेडियली इनवर्ट होगी, रेडियली इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव सोर्स चार्ज की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अपनी, रेडियली आउटवर्ड। कैसे होगी, रेडियली रेडियली आउटवर्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड होंगी, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने बताया क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्या होगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, दूसरा ये जो हम पॉजिटिव जो चार्ज होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड चलती है, नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड चलती है। जब हम एक्सियल लाइन करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पढ़ा क्या होगा, हमारा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट होगी, फोर्स की जो यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, और चार्ज के अपने पास क्या होते हैं, कूलम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम। ये यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आ गई। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो हमेशा कैसे होगी, पॉजिटिव से कहाँ चलेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे चलेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा, यहाँ पे अपनी दो चीजें क्लियर हो चुकी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो चुका है, दूसरा पॉइंट चार्ज क्लियर, सोर्स चार्ज क्लियर हो चुका है, टेस्ट चार्ज क्लियर हो चुका है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हो चुकी है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक तो अब जो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोर्स चार्ज ले लेते हैं क्यू नोट, सॉरी क्यू, यहाँ पे हमने क्या लिया है, सोर्स चार्ज, और यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पे हमने एक पी पॉइंट लिया जो अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस पे हम क्या लेके चलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब जो अपना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा, रेडियली आउटवर्ड। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है यहाँ पे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा था क्या होता है, ई इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो पहले हम इसको किस में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, मींस
यहाँ पे सिर्फ हम इसको किस में लिखते हैं, स्केलर क्वांटिटी फॉर्म में, फिर इसको हम किस में लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में। पहले वेक्टर पहले लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सिंपली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसको हम किस में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपना क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे अपने पास जो फोर्स होगा वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में किसने बताया था, कूलम्स ने। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपना फोर्स क्या होगा आपका, के क्या वन क्या टू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगा अपना फोर्स क्या होगा, के क्या वन क्या टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अपना फोर्स क्या आएगा आपका, के क्या वन क्या है आपका, प्लस क्यू चार्ज है, क्या वो अपने पास क्या है, क्या वो नोट है, डिस्टेंस अपना क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर। तो फोर्स हमें कितना मिल गया, इसको मान लेते हैं, ये मान लेते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर क्या आ रहा है सेकेंड इक्वेशन, क्या आ रहा है फोर्स के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। हमें तो क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपना क्या आएगा, यहाँ पे बस फोर्स की वैल्यू रखनी है, के क्यू क्यू नोट डिवाइड बाई अपना क्या है आर स्क्वायर, और किससे डिवाइड कर देते हैं, क्यू नोट, क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अपना ये आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए। तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, अभी तो किस में लिख रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, सिंपली हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है। अगर इसको यहाँ से हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, मीन्स इसकी डायरेक्शन बताना चाहें, तो डायरेक्शन का काम कौन करता है, डायरेक्शन का काम करता है यूनिट वेक्टर। तो हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन का काम करेगा वो कौन करेगा, आर। तो आर के लिए हम यहाँ पे किसको लेके चलेंगे, यूनिट वेक्टर को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू आपका के क्यू आर स्क्वायर। तो है यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं, यूनिट वेक्टर आपका क्या होगा, आर कैप, आर कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर किसका काम करता है, डायरेक्शन का बताने का। तो अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको कैसे लिखते हैं, जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आर वेक्टर, और उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड, उसके मैग्नीट्यूड से क्या रखते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका इन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, यूनिट वेक्टर लिख देंगे आर वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू आर क्यू, और ये आपका हो जाएगा आर वेक्टर। तो ये हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to point charge in vector form, in vector form। तो ये अपना आ चुका है electric field intensity due to a point charge, due to a point charge in vector form, ये आ गई अपनी vector form। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या हो चुका है, इसमें आ चुका है वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे हम इनका ग्राफ देखते हैं कि भाई जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे जो अपना ग्राफ चलेगा आर वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे जो अपना ग्राफ चलेगा वो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डीके करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के स्फीयर के। तो ये अपना ग्राफ ऐसा ग्रो होगा यहाँ पे। तो ये अपना आज मतलब टॉपिक था, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस किया, और उसके बाद हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम डिस्कस करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्जेस, कि भाई जो जितने भी अपने पास चार्जेस होंगे एक चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में, तो हम डिस्कस करते हैं हम किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए तो हो चुका है। अब करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होंगे तब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी। तो यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मीन्स अपने पास कोई एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है अपने पास, और यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज रखे हैं, प्लस क्या वो मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर फोर्स जनरेट होगी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस पर इस डायरेक्शन में ई वन, इस पे क्या होगी इस डायरेक्शन में होगी ई टू, ये आउटवर्ड होगी ई थ्री, ऐसे कोई और ले लो चार्ज, मीन्स यहाँ पे प्लस क्यू एक और ले लेते हैं तो यहाँ पे होगी ई फोर, क्योंकि जो अपना प्लस चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड, और जो अपना माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है अपना, नेगेटिव चार्ज ये रहा, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, अपना सिस्टम ऑफ चार्जेस बहुत सारे चार्जेस हो तब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो क्या होगी, इन सभी का वेक्टर सम होगी, क्या होगा अपने पास ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर, जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया था चार्जेस के लिए, तो वहाँ पे हम चार्ज लेके चल रहे हैं, चार्जेस के लिए निकाला था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वन क्या वन अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे अपना क्या चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिस्टम ऑफ, जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अपने पास ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर। तो आज का लेक्चर अपना, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में, और लास्ट में हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे अपना लेक्चर होता है समाप्त। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आया उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।